प्यारे मित्रों नमस्कार, और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के पर। और आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर हम पिछले एक माह से भी अधिक समय से जो NTA नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट की। उसमें हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है उसके शुरू के चार भाग को देख चुके थे, तीन भाग को हम देख चुके थे मौलिक अधिकार तक, और उसके पश्चात भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को मैं आपके सामने लाया था, जिसके तीन वीडियोस मैं बना चुका हूँ और चौथा वीडियो भी आधा बन चुका था, किंतु तकनीकी प्रॉब्लम से चौथा पूरा नहीं बन पाया था। आज उसी को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछले कई दिनों से मैं आपके सम्मुख कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो पारिवारिक व्यस्तता, व्यावसायिक व्यस्तता और नेटवर्क की प्रॉब्लम से मैं आपके सम्मुख जो वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया था। तो अब मेरा कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में रेगुलर बेसिस पर आपको एक न एक वीडियो हर दिन प्रेषित किया जा सके, ताकि आप अपने रेगुलर बेस पर तैयारी को कर सके। तो अपने समय को ज़्यादा न गवाते हुए, हाँ, आपसे एक अनुरोध अवश्य रहेगा कि जो लोग नए चैनल पर आए थे हैं वो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो राजनीति विज्ञान की समझ है उसको आप और मजबूत कर सके। तो सीधा समय को बर्बाद न करते हुए, समय को जाया न करते हुए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो हम 323 अनुच्छेद में तक पढ़ चुका था हमने, जिसमें अधिकरण की बात थी, क और ख में, जिसमें प्रशासनिक अधिकरण और अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात हम कर चुके थे। अब आज हमारे पास जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 324, जो कि केंद्र में निर्वाचन आयोग की बात करता है। तो आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग, जो संसद के चुनाव होते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या अन्य किसी प्रकार के चुनाव होते हैं, उनको कराने का कार्य चुनाव आयोग करता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को मान्यता देने का, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का, अन्य इस प्रकार के कार्य चुनाव आयोग के होते हैं। इसके विषय में हम गहराई से अध्ययन करेंगे जब हम इस टॉपिक पर आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही समझिए कि जो 324 अनुच्छेद है उसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 326, जिसमें कि वयस्क मताधिकार की बात की गई है, और लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन होंगे उस वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। उसके पश्चात, हाँ, वयस्क मताधिकार के संदर्भ में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें वयस्कता की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से इस 21 वर्ष को घटाकर आज की तिथि में 61वें संविधान संशोधन के बाद से 18 वर्ष को जो वयस्कता की आयु है वह रखा गया है, और आज भी 18 वर्ष को वयस्क आयु माना जाता है। उसके पश्चात जो हमारे पास अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 330, जो कि भाग 16 का है, जहाँ की कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। और इस जो ये भाग की बात मैं कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। तो भाग से संबंधित अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि बहुत अच्छे से आपको जो भारतीय संविधान के 25 भाग हैं उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो अनुच्छेद जो 330 है वहाँ लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। यह आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात अनुच्छेद जो 330 है उसमें की गई है। तो उसके पश्चात जो अनुच्छेद 331 है, अब तो निरस्त हो चुका है, इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात की गई है लोकसभा में। तो अब यह निरस्त हो चुका है 26 जनवरी 2020 से 104 संविधान संशोधन के माध्यम से, किंतु इसमें पूर्व में अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए
लोकसभा में जो 2 सीटें आरक्षित होती थी उसकी बात की गई थी। उसके पश्चात हमारे पास जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 332, जिसमें कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहां अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है, सीटों का जो आरक्षण होता है। तो जो लोकसभा है, संसद है, वहां आपको ध्यान होना चाहिए कि 84 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होती है और जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए 47 सीटें आरक्षित होती है। उनका अनुपात जो निकाला जाता है तो 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होती है। उसके पश्चात 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को जो प्रतिनिधित्व की बात थी वो भी अब समाप्त हो चुका है। आप जानते हैं जो 104वां संविधान संशोधन 2020 26 जनवरी 2020 को हुआ है उसके पश्चात यह समाप्त कर दिया गया है। उसके पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे पास आता है वह है अनुच्छेद 338, जिसमें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अब वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो 338 जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके पश्चात 338A जो है उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग और 338B जो है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया है। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। उसके पश्चात जो अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे पास है वो 341 और 342 बनता है, जिसमें कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां की परिभाषा दी गई है। तो 341 में अनुसूचित जातियों की परिभाषा दी गई है और 342 में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है और 342A में जो OBC है अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी परिभाषा दी गई है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 344 जो कि राजभाषा से संबंधित है और आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद यह भाग 17 में आता है 344 और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कमीशन की उसकी बात की गई है, यानी कि राजभाषा कहते हैं उसे। तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के किस क्या हमारी राजभाषा होगी उसका बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है आर्टिकल 344 में, तो इसलिए यह भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके पश्चात आर्टिकल 352 सीधा इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि 352 में क्या है, जो आपातकाल है 352 से 356 तक आपातकाल का प्रबंध किया उपबंध किया गया है भारतीय संविधान में और जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो आर्टिकल 352 के तहत ही लगाया जाता है। और उसके पश्चात 356 इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि राज्य आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, यह आपको जानकारी है। उसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे पास आता है वो आता है 361, जिसमें कि जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है उनको प्रोटेक्शन की बात की गई है, संरक्षण की बात की गई है, राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को संरक्षण। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ही राज्य प्रमुख होते हैं तो उनको संरक्षण की बात जो है प्रोटेक्शन की बात है वो अनुच्छेद 361 में की गई है। उसके पश्चात अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे पास है वो है आर्टिकल 368 और आप जानते हैं कि 368 जो कि भाग 20 में आता है उसमें संविधान के संशोधन की बात की गई है, अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं और आज तक 104 संविधान संशोधन हम कर चुके हैं, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमारे पास है वो है आर्टिकल 370, जिसमें से कि आप जानते हैं कि 370 का पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो समाप्त कर दिया गया है, पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 में उसको समाप्त कर दिया गया था, लगभग एक साल का समय बीत चुका है तब से। तो 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी उपबंध की बात की गई थी और उसी कारण अस्थायी था इसीलिए उसको समाप्त किया गया है। अब जो 370 आर्टिकल है उसका जो 370 ABC पार्ट थे अब ए पार्ट उसका बचा हुआ है, अब बी और सी को निरस्त कर दिया गया है। उसके पश्चात आर्टिकल 371 है इम्पोर्टेंट, जिसमें कि कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है,
तो वो अन्य राज्य कौन कौन से हैं, तो जो 371 ए है उसमें, सॉरी 371 है जो, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। उसके पश्चात 371 को, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बन सकते हैं छोटे एग्जाम में, राज्य पीसीएस के एग्जाम में भी ये इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, और अन्य जो छोटे एग्जाम है जो राज्यों से संबंधित एग्जाम हो सकते हैं, तो वहाँ के लिए जिस राज्य की बात है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और नेट के पेपर के लिए तो खैर सभी आर्टिकल इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो जो 371 क है उसमें नागालैंड राज्य के लिए बात की गई है विशेष उपबंध के लिए। 371 ख जो है उसमें असम राज्य के लिए बात की गई है। उसके पश्चात जो 371 ग है उसमें मणिपुर। उसके पश्चात जो डी है उसमें तेलंगाना। ई है उसमें डी और ई जो है, यानी कि घ और घ जो है उसमें दोनों में ही जो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश है उनके लिए बात की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो 371 ग है उसमें आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध लिखा हुआ है, तो वर्तमान में तेलंगाना को यह उपबंध, विशेष उपबंध प्राप्त है। उसके पश्चात जो आर्टिकल 371 ई है उसमें एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की गई है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए अब यह बन जाता है अपने आप में विशेष उपबंध। उसके पश्चात जो आर्टिकल 371 एफ है या 371 च जिसको वो हम कह सकते हैं, उसमें सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है, और 371 जी में मिजोरम, 371 आई में गोवा, और 371 जे जो है उसमें कर्नाटक राज्य की बात की गई है। हिंदी में क ख ग घ बोलते हैं और इंग्लिश में ABCD में कह सकते हैं इनको। तो 371 से विभिन्न जो पार्ट्स हैं इसके, इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हमने जाना। उसके पश्चात अन्य आर्टिकल जो सीधा इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनता है वो बनता है आर्टिकल 393 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का संक्षिप्त नाम की बात की गई है, और वो संक्षिप्त नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या यूं कहें भारतीय संविधान का नाम, भारतीय संविधान ये यूं कह सकते हैं। 393 आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के नाम का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 393 में किया गया है। उसके पश्चात जो आर्टिकल 394 है वह भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान का जो, भारतीय संविधान जो लागू हुआ है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 394 में किया गया है। प्रारंभ संविधान के लागू होने की बात की गई है, और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से ही हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वह है 395 जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था और इंडिपेंडेंट एक्ट जो 1940 था इसको समाप्त कर दिया गया था संविधान लागू होने के बाद से, और अब इसको जो 395 आर्टिकल है वो निरस्त हो चुका है। तो साथियों मुझे आशा ही नहीं उम्मीद भी है कि आपको यह वीडियो, आज का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसने आपके जो ज्ञान है उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य की होगी। तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।